या जो बाबा की संपत्ति है उसमें से भी वो फैमिली को कुछ मदद मिलनी चाहिए। हाथरस के संबंध में सरकार सीरियस है, गंभीर है। हाथरस की घटना जो है बहुत बड़ी दुर्दैवी है, बहुत बड़ी गंभीर है, और मतलब वहाँ जो भी हमारे 121 लोगों की मृत्यु हुई है तो ये हादसा बहुत बड़ा गंभीर है। राज्य सरकार के तरफ से पूरी इंक्वायरी की जांच इंक्वायरी हो रही है, उसके लिए समिति का निर्माण किया गया है, अभी तो कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हाथरस के संबंध में सरकार सीरियस है, गंभीर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ध्यान देकर मतलब उस पर है, और हाथरस में जो भी दोषी होगा उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इसी तरह की हमारी भी मांग है। सर, भोले बाबा हैं जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, और उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि हम परिवार वालों के साथ हैं और घटना दुखद है। हाँ, तो मतलब जो भोले बाबा है भी, वो भोले बाबा के फंक्शन में भी ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में पुलिस की पूरी जांच चल रही है, तो उसमें मतलब जो भी होगा वो कार्रवाई होगी। लगता है कि राहुल गांधी जी की सरकार जब थी कांग्रेस की, तब इसी तरह की मदद दी जाती थी। अभी जो नियम बनाए उसके मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और राज्य सरकार ने भी 2 लाख रुपए दिए हैं। राहुल गांधी की मांग है तो उस पर हमारी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं आज उनको मिलने वाला हूं। तो कुछ अगर पैसे बढ़ा सकते हैं तो उसके बारे में विचार होना चाहिए, या जो बाबा की संपत्ति है उसमें से भी वो फैमिली को कुछ मदद मिलनी चाहिए। सर, हाथरस घटना को लेकर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? सर, इधर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे आज हाथरस घटना को लेकर। हाँ, हाथरस घटना को लेकर और बाकी की पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए भी मैं आज मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ।